फिर वो आपसे नफरत करेंगे, फिर वो आपसे झगड़ेंगे, लड़ेंगे, और फिर आप जीतेंगे। था उस पे जो तमंचा लहराया, उसने बंदूक लहराई और एक लड़के को जख्मी भी किया गोली चलाकर। मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पूरे देश में जगह जगह घूम रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता से आया हूं। आज हम बराबरी, मोहब्बत और भाईचारे के सबसे बड़े छत और आंगन में ख्वाजा के दरबार में हैं। और हमारा संविधान भी यही कहता है, उसका भी संदेश यही है। और हजारों साल की हमारी जो रिवायत है, जो हमारी संस्कृति है, वो भी यही है। ऐसा नहीं है कि संविधान कोई 300-400 लोगों ने मिलके संविधान सभा में बैठ के बना दिया था। ये संविधान को हमने साथ हजारों साल जिया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़ाई हम आप जीतेंगे। और इस जीत की शुरुआत कल हो चुकी है। महात्मा गांधी एक बात कहते थे, बहुत अहम बात कहते थे, जो क्योंकि आप लोग आंदोलन में हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है जानना, कि फिर वो आपसे नफरत करेंगे, फिर वो आपसे झगड़ेंगे, लड़ेंगे, और फिर आप जीतेंगे। जामिया के शांतिपूर्ण मार्च, जामिया के छात्रों के शांतिपूर्ण मार्च में, जो कि महात्मा गांधी की समाधि पे उनके पुण्यतिथि के वक्त जा रहा था, उस पे जो तमंचा लहराया, उसने बंदूक लहराई और एक लड़के को जख्मी भी किया गोली चलाकर, कल ये लड़ाई आप नैतिक रूप से जीत गए। और ये कल नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके कुनबे की नैतिक हार कल हो गई दिल्ली में। ये तस्वीर उसकी हाथ में पिस्तौल लिए, जो आज के अखबारों में आपने देखी होगी, ये तारीखी तस्वीर है। और ये उसी दिन हुआ जिस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के ऊपर 3 गोलियां चलाई थी। इनकी अपनी शिनाख्त इन्होंने कल खुद दे दी कि वो कौन है, अपनी वल्दियत भी बता दी कल उन्होंने। इनका भी एनआरसी हो गया।